बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 जल की उपयोगिता। आधी छुट्टी के बाद जब हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन अध्यापक कक्ष से निकल होती है तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। तो क्या है आज इस पार्ट में हम जल की उपयोगिता के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। तो जब आधी छुट्टी के बाद हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन जो थी वो अपनी कक्ष से निकलती है, अध्यापिका कक्ष से निकलती है, तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। वे समझ गई कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक से बंद नहीं किया होगा, वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गई। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने सभी बच्चों को बैठने का संकेत करते हुए कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी। तो क्या था, जब उन्होंने देखा कि वो अध्यापक कक्ष से निकली, उन्होंने देखा कि नल खुला हुआ है, तो उन्होंने क्या करा, वो समझ गई कि बच्चों ने खाना खाने के बाद नल वो है ऐसे ही खुला छोड़ दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नल बंद किया, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे ही वो कक्ष में जाती है, बच्चों के कक्षा में जाती है, तो बच्चे पहले उनका अभिवादन करती है और उसके बाद वो बच्चों से कहती है कि आज वो उन्हें जल के महत्व के बारे में पढ़ाएंगी। तो आइए देखते हैं, गर्मी के दिनों में जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है तुम क्या करते हो, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें ही निकालते हो ना। तो जब पानी की प्यास लगती है गर्मी में तो क्या करते हो, जो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें निकालते हो। सभी बच्चे जोर से बोले, हाँ मैडम तब हम खूब पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा, क्यों? बच्चे बोले, क्योंकि हमें प्यास लगती है। अध्यापिका बोली, तुम सब ने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज से बुझ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, तो पानी के अलावा हमारी प्यास जो है किसी और चीज से बिल्कुल नहीं बुझ सकती। अध्यापिका की बात सुनकर अर्पित बोला, प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है। फिर अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम घटाघट बहुत सारा पानी पी जाते हैं, तब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं। प्यास लगने पर पानी ही पानी में पीने में मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। यानी जब पानी की प्यास लगती है तो कोल्ड ड्रिंक से पानी की प्यास नहीं बुझ सकती, यानी जितना आप पानी पी सकते हो उतनी आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। तो कोल्ड ड्रिंक से आपकी पानी की पीने की प्यास नहीं बुझ सकती, जो कि पानी से बुझ सकती है। अध्यापिका की बात सुनकर ज्यादातर बच्चों ने हाँ में भरे। अध्यापिका फिर बोली, जरा सोचो प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी न मिले तो क्या होगा। शुभम बोला, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम। ठीक है, अध्यापिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डालकर उन्हें गंदा भी कर रही है। गंदे पानी का होना ना होना दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। तो उस प्रदूषित पानी का होना ना होना एक बराबर है क्योंकि वो पीने लायक नहीं है। क्यों मैडम, अनिल ने पूछा, भला कोई गंदा पानी पीता है? रोहित तो बोला। इस बार अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना। अध्यापिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले जा होते हैं, इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों तालाबों का तो जल सूख जाता है, वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है, परंतु हमारे देश में कभी ज्यादा वर्षा होती है तो कभी कम। ठीक है, तो जिस हिसाब से वर्षा होती है उसी हिसाब से हमें पानी मिलता है। सब जगह एक समान वर्षा नहीं होने के कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल का भी खतरा रहता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं, नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है, लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है यहाँ लोग इसे खूब बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत दूर दूर तक चलकर पानी लेकर आते हैं। तो क्या है, हमारे शहरों में जहाँ पर पर्याप्त पानी है लेकिन यहाँ पर लोग उसे खूब बर्बाद कर रहे हैं, जो कि गलत है। अभी अभी मैंने खुले नलों को बंद किया है।
अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे वश में कुछ नहीं होगा। तो अगर क्या है, अगर हम ऐसे ही पानी बर्बाद करते रहे तो एक दिन हम भी बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे और हमें पानी नहीं मिल पाएगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा था, बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि जल कितना मूल्यवान है, ऐसे वो मूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं। अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। और वो पूछती है सभी बच्चों से कि देखो ये जल जो है बहुत ही अमूल्य बहुमूल्य है हम सभी के लिए, अब तुम बताओ सभी कि इसको बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। आकृति बोले, जरूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे। इसके अलावा अध्यापिका ने पूछा, इसके अलावा पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी जरूरत होगी। रुचि बोलती है, बहुत अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखो, जब ब्रश करो तब नल को मत खोलो, जब कुल्ला करो तभी नल खोलो, इससे पानी बहुत बचता है। नहाते समय शॉवर या फुहारा खोलकर मत नहाओ, बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को पानी से धोने की बजाय पोछा मार कर ही साफ कर लो, इससे बहुत पानी बचता है। फल सब्जी धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी ना पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़े धोते, बर्तन साफ करते और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है, अध्यापिका ने कहा। तो अब अध्यापिका ने बच्चों को समझाया कि आप ब्रश करते समय, नहाते समय फवारा का यूज न करें और भी पानी सब्जी फल बोते समय पानी का सही उपयोग करें। तो पानी के सदुपयोग के बारे में यह बहुत सारी बातें इनकी अध्यापिका ने बताई कि इस तरह से हम अपने पानी को बचा सकते हैं। घंटे बजे तो अध्यापिका फिर बोली, आज से तुम सब पानी की बचत एवं उसका उचित उपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना सब बेकार है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी बेकार है। जल के बिना लोग प्यासे मर जाएंगे और लोगों को सांस नहीं आएगा, लोग प्यास की वजह से मर जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने जल को बचाना बहुत ही जरूरी है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी और भविष्य में जल का सही ढंग से प्रयोग करने का वचन दिया। वो सभी बच्चों ने अपने अध्यापिका को वचन दिया कि अब वो सभी बच्चे थोड़े जल का सही उपयोग करेंगे और जल की बचत करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने जल के महत्व यानी जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर एक कक्षा अध्यापिका ने उन बच्चों को जल के महत्व के बारे में बताया कि जल हमारे लिए किस तरह से इतना उपयोग किस तरह से इतना बहुमूल्य है, किस तरह से हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो जल के बिना बच्चों जीवन बेकार है, इसीलिए हमें जल का बचाव करना चाहिए। इसको बचाने के जितने भी उपाय उनके अध्यापिका ने बताए हैं या फिर और जिन तरीकों से भी आप जल को बचा सकते हो, आपको बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास जल खत्म हो गया, देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और जल खत्म हो गया तो क्या होगा, हम बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे और क्या है, इसके बिना हम बेकार है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है और हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।